अरे भाई साहब, कानूनी नियम है, कोई बंदर का नाच नहीं कि जिधर चाहे उधर पलटी मार दी। देखो भाई साहब, बात साफ है, माल होगा सीज। दोबारा फोन मत करना, फोन रखो। नमस्ते सर, मैं बादल। बादल तो चाहो फिर बरसो कहीं, मेरा मतलब बोलो क्या बात है। सर बात यह है कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने कल सुबह सीमापुरी बॉर्डर पे ना मेरा कुछ माल पकड़ा है वो। अच्छा, तो तू ही है वो चॉकलेटी बॉय है? क्यों भाई, ये 200 किलो चॉकलेट लेके तू कौन सी गर्लफ्रेंड के पास जा रहा था? चॉकलेट नहीं सर, कोको, चॉकलेट का कच्चा माल। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ना, वो उसका ऑर्डर था। तेरी गाड़ी गाड़ी ना हो गई, ट्रक हो गया है, जो इतना सारा माल लोड करके साउथ इंडिया से यहाँ तक आ गया। हे सर, कहाँ है इतना ज्यादा है, बस 2 क्विंटल माल तो है। अब ये मान के चलिए 2-3 आदमियों का वजन है बस। तो तुझे मामला वजन का लग रहा है अभी तक है? तो नियम, अरे नियम भी तो कोई चीज होती है भाई, और तेरे पास तो बिल भी नहीं है। अरे बिल आप ले कहाँ रहे हो सर, ये देखो ये रहा बिल। अरे चचा, बिल मांगा है, चंदे की रसीद नहीं। जीएसटी बिल कहाँ है? जीएसटी बिल तो नहीं है सर। तो बस माल होगा सीज, और ऊपर से लगेगा स्मगलिंग का केस। सीज, स्मगलिंग। ऐसा मत करिए सर, आप मेरे मालिक को जानते नहीं है सर, एक नंबर का कमीना, कुत्ता किस्म का आदमी है सर, मेरा जीना हराम कर देगा सर। अरे हराम करे या काम तमाम, मैं नियम के आगे किसी की नहीं सुनता। अगर माल छुड़वाना है तो जुर्माना, वरना जेल। सर काहे आप सरकारी कमाई के चक्कर में पड़े हैं, कुछ ले दे के। दोबारा रिश्वत देने की बात थी ना, तो ऐसे ऐसे चार्जेस लगवाऊंगा कि तेरा बाप रिश्वत दे के भी नहीं छुड़ा पाएगा तुझे, समझा? बादल, बेसरंग, तू यहाँ बैठा है, वहाँ पार्टी माल का वेट कर रही है। वो सर क्या है ना कि माल इनके पास है, पकड़ा गया। पकड़ा गया? हाँ जी सर, ऐसे कैसे पकड़ लिया आपने हमारा माल? कैसे पकड़ लिया? अरे 2 क्विंटल माल भाई साहब की पर्सनल गाड़ी से पकड़ा गया है। पर्सनल गाड़ी? हाँ भाई, पर्सनल गाड़ी कैसे हो गई? माल तो ट्रांसपोर्ट से आने वाला था ना। वो क्या है ना सर, मैंने सोचा कि पर्सनल गाड़ी में ले जाता हूँ, ट्रांसपोर्ट का पैसा बचेगा। पैसे बचा लूंगा या बचा के अपनी जेब में डालूंगा? भाई साहब, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आपके इस लोटे ने आपकी लुटिया डुबा दी, और पक्का बिल भी नहीं है। सर मैंने सोचा कि जीएसटी का पैसा भी बच जाए। चुप चुप कर बदतमीज, तेरे चक्कर में आज मुझे 2 कौड़ी। इतने बड़े सांप के सामने बेइज्जत होना पड़ रहा है तुझे तो मैं। अरे भाई साहब, मार क्यों रहे हैं? गलती हो गई तो हो गई। आप बीच में बोलिए सर, इस बदतमीज को मैंने सर पे चढ़ाया, अब मैं इसे सर पे उतारूंगा, तुझे तो मैं नौकरी से निकालूंगा। अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? सर सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई सर। सर आप बहुत अच्छे हैं सर, बहुत प्यारे हैं सर, बहुत भोले हैं सर, सॉरी सर। अरे भाई साहब माफ कर दीजिए, आपको इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। अरे बात कैसे बड़ी नहीं है, बात बहुत बड़ी है। इस भरोसे वाले पे मैंने भरोसा करा था, पर इस भरोसे वाले ने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया और कानून तोड़ा वो अलग से। अरे अब जाने भी दो यार, बेचारे को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ हो गया है। वार्निंग जुर्माना लेके छोड़ देंगे। देख देख नालायक, सर कितने अच्छे हैं, तुझे वार्निंग जुर्माना देके छोड़ रहे हैं। ठीक है सर, आप जितना भी कहेंगे मैं अपनी जेब से दे दूंगा। हाँ, और कौन तुझे भरेगा और कौन भरेगा है? कितने देने हैं इसे? अरे अब इस गरीब से क्या ही लूं, 500 रुपए वार्निंग जुर्माना भर देगा बस। ठीक है सर, लीजिए सर। आगे से ऐसा कुछ मत करना वरना जेल जाएगा। ओके सर, चलिए सर। बिल्कुल, थैंक यू सर। अबे नहीं छोड़ूंगा तेरा ट्रक। अभी बच गए, तुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ज्यादा चोट नहीं लगी, अरे गुद्दी लाल कर दी तूने। है छोड़, अपना माल तो बच गया, वो भी 500 रुपए में।